Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. And this vlog is going to be very very interesting. And this is going to be my English exam ka vlog. और ये कौन सा इंग्लिश का एग्जाम है? ये IPO सेट का एग्जाम है जो मैं IPO सेट का एग्जाम देने गई थी 12th of May को. बट ये एडिट कर रही हूँ मैं आज, दैट इज 15th May. एंड मैंने सोचा था कि आज मेरा एग्जाम है तो मैं एग्जाम देने के बाद ही व्लॉग डालूंगी. बट दिल्ली वाले बच्चों की मजे हो गए हैं, हम लोगों का पेपर पोस्टपोन हो चुका है एंड 29th May को हमारा एग्जाम है. बट आई थिंक हमारा पेपर ज्यादा डिफिकल्ट ना आ जाए, बिकॉज बच्चे क्या बोल रहे हैं, वी वॉन्ट जस्टिस. क्यों भाई, इसमें हमारी क्या गलती थी? बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड लेट मी नो तुम लोगों का एग्जाम कैसा गया था. क्वेश्चंस याद है तो बता देना यार, थोड़ी हम लोग की भी हेल्प हो जाएगी. एंड एंजॉय करना ये व्लॉग. मैं इंट्रो करना बिल्कुल भूल चुकी थी इस व्लॉग का, तो मैं अब एडिट करते करते ही इंट्रो व्लॉग कर रही हूँ. एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड आगे तक देखते रहो. एंड लेट मी नो अगर मुझे बाकी पेपर के भी व्लॉग ऐसे बनाना चाहिए और क्या नहीं. लेट्स सी अगर मुझे बनाने का भी हुआ कि नहीं. ओके बाय. तो गाइज़ मैं सुबह उठते ही पहले तो मैंने जल्दी से शावर लिया एंड उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने बनाना शेक पी लिया था, क्योंकि यार सुबह कुछ खाने का मन नहीं था मेरा. और ऑल्दो मुझे खा के जाना चाहिए था, बिकॉज़ मेरे को पेपर में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि 150 मिनट्स का हमारा पेपर था, मतलब 2.5 घंटे का पेपर था और 2 घंटे पहले मैं बिठा लिया था, तो मतलब ऑलमोस्ट मुझे 5 घंटे हो गए थे अंदर बैठे हुए, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. तो हम लोग पहुँच भी टाइम से पहले गए थे, 8 बजे का हमारा टाइम था. हमें लगा था इतना दूर सेंटर है तो जल्दी निकल जाना चाहिए, तो हम 7:30 निकल गए थे. 8 बजे हम पहुँच गए एंड 8 बजे का ही हमारा गेट खुलने का टाइम था, मतलब 8:15-8:30 तक का टाइम था. तो मतलब हमने सोचा था कि आधा घंटा तो वेट कर ही लेंगे, बट वहाँ जाके क्या दिखता है हमें कि गेट खुलेगा 9:30 पे. एंड बहुत ज़्यादा रश हो चुका था और बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ थी यार, क्योंकि हम लोग इतनी देर से वेट कर रहे थे. एंड फिर हम लोग बाहर बैठे रहे, मैं गाड़ी में ही थी पापा के साथ. एट द सेंटर यहाँ इतनी भीड़ है बच्चों की, और 8:05 हो चुके हैं और अभी तक अंदर तो कोई नहीं जा रहा है, इसलिए मैं भी गाड़ी में ही बैठी हूँ. दिस इज़ व्हाट हैपनिंग हियर. तो विश मी लक, मेरा भी एग्जाम होएगा. देखो मैं बाहर ही हूँ सेंटर के. नो व्हाट्स हैपनिंग, आई एम फीलिंग नर्वस बट गुड. और मैं 2 ये पेन लेकर आई हूँ. यू आर आस्किंग मी कि कौन सा पेन, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, और मैं दोनों अंदर लेके जाऊंगी एंड लेट्स सी कि क्या दोनों पेन्स को अलाउड करते हैं या नहीं. बाकी अगर नहीं अलाउड करेंगे तो अपने पास रख लेंगे ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं होगा. ये नहीं होगा कि तुम्हें भारी भगा देंगे, वो पेन अपने पास रख लेंगे कि भाई दिस पेन इज नॉट अलाउड. और मैं मेरा एडमिट कार्ड है, इसको 2 पीसेज में करना है, मतलब आधा कार्ड हमारा आधा इनका, तो मैंने वो नहीं करा है बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत ना कर दूं मैं. तो इसमें सिग्नेचर वगैरह भी करने हैं, वो मैं करूंगी अंदर जाके, बिकॉज अभी लोग बोलेंगे. अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं छेड़ रही क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है एडमिट कार्ड, एंड मेरे पास 2 फोटो है, मेरा आधार कार्ड है, एंड मैं ये चॉकलेट लाई हूँ, बट मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने थोड़ी सी खा ली. एंड ये रही मेरी पानी की बॉटल, एंड दिस बॉटल इज अलाउड. भाई तुम लोग क्या कह रहे थे कि मिल्टन की बॉटल होगी? नो, इट्स नॉट मिल्टन की बॉटल. उसके बाद पापा बार बार जा रहे थे गेट पे लिस्ट चेक करने, बिकॉज लिस्ट लगनी थी बाहर. और जिस गेट पे हम खड़े थे वो यार गेट मेरा था ही नहीं, मतलब मेरा गेट नंबर 2 था जहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चों को जाना था, और हमें पता ही नहीं था. पहले तो मैं गलत गेट पे चली गई थी यहाँ पे, उसके बाद पता चला कि ये गेट तो है ही नहीं. फिर मैंने गेट चेंज करा एंड यार फिर वापस आई. मैं आते ही पहले तो भाई मैंने रेडबुल पी, बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड. आई नो ये वीडियो स्टार्ट हो रखी ऑलरेडी, एंड मैं अभी घर आ चुकी हूँ. अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज चुके हैं एंड मैं वापस से गाड़ी में आई हूँ, बिकॉज तुम लोग इतने सारे कमेंट आ गए. मैंने एक शॉर्ट्स भी अपलोड करा था एग्जाम डे इन माय लाइफ, तो उस पर भी इतने सारे कमेंट्स आए कि हाउ वाज योर एग्जाम, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, बिकॉज इंग्लिश का एग्जाम था, इंग्लिश हमारा CUET में भी होगा. काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया मुझे. अगर आप लोगों ने इंग्लिश ऑनर्स का नहीं दिया है, आई मस्ट से तुम लोगों ने काफी चीजें मिस कर दी, बिकॉज को बताऊं कि इंग्लिश का एग्जाम बिल्कुल वैसा ही आता जो हमारा सिलेबस CUET का है, एक्सेप्ट
दैट 50 क्वेश्चंस, वो 50 क्वेश्चंस क्या थे? मैं देखो, ऐसा हो सकता है कि मुझे वो क्वेश्चन इसलिए ना आते हो क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गई उस एग्जाम के लिए, है ना, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे रूम में आप लोग मान सकते हो 40 बच्चे होंगे, 40 से ज्यादा ही होंगे, आई मस्ट से। हर लाइन में, हर एक सीट बेंच पे 2 बच्चे बैठे थे इकट्ठा, जैसे कि जितना गैप हमारा इस 2 चेयर में होता है, इतना ही गैप मेरे और मेरे साइड वाले बच्चे के बीच में था, या इससे थोड़ा सा ज्यादा और, बट ऐसा ही था। एंड क्या क्वेश्चन पेपर अलग था? नहीं, क्वेश्चन पेपर भी सेम था। क्या आगे पीछे और गए थे क्वेश्चन? नहीं, सेम था। तो चीटिंग हुई क्या लगता है? नहीं हुई होगी, हुई है भाई, हुई है, पूरी चीटिंग हुई है। देखो, आई डोंट नो ये चीज मुझे बोलनी चाहिए या नहीं, बट हाँ, चीटिंग हुई है। क्या मैंने चीटिंग करी? ऐसे किसी से पूछ के नहीं, बट हाँ, उसकी आंसर शीट में देख के खुद से मार्क करा है। ओके, ठीक है, आई नो दिस इज रॉन्ग, बट वाई? सब लोग कर रहे थे यार, और किसको अपने मार्क्स नहीं बढ़वाने। एंड मुझे अब तो ऐसा लग रहा है, मैंने जिस बच्ची से, मतलब अपनी साइड वाली बच्ची से ही मैंने चीटिंग करी थी। एंड जब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो बहुत इंटेलिजेंट है, मैम साइन करना है, तो मैं उसकी शीट मेरी शीट के ऊपर रखी थी। एंड जब मैम साइन करी, तब मैंने देखा कि भाई जितना मैंने भरा है ना, उसने उतना खाली छोड़ा है। मतलब मैंने 60 क्वेश्चन भर दिए थे, उसने सिर्फ मुश्किल से 15 क्वेश्चन भरे होंगे। एंड आई वॉज लाइक, अब तो कट भी नहीं कर सकती, कट कर भी दूंगी ना तो भी वो नेगेटिव ही मार्किंग जाएगी। तो मैंने सोचा छोड़ो, अब आगे नहीं चीटिंग करनी। तो यही सीख है भाई, चीटिंग मत करना, बिल्कुल भी मत करना। मेरा पहली बार हुआ था आईपीयू का, तो पेपर मैंने पहली बार दिया था। पेपर में आते हैं, जो देखो 50 क्वेश्चन जो थे, जो मैं कह रही हूँ 50 क्वेश्चन बहुत बेकार थे, वो 50 क्वेश्चन में था क्या? क्या था उन 50 क्वेश्चन में? सिर्फ और सिर्फ ऑथर्स के नेम थे गाइज, सिर्फ। ये बुक किस ऑथर ने लिखी, वो बुक किस ऑथर ने लिखी, इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किस ईयर में करा गया। यार हाउ, हमें कैसे पता होगा? हमने इतनी बुक्स अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ी, मैंने तो देखी भी नहीं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अगर तुम ये चीज हमारे 12th के सिलेबस से पूछते कि इस चैप्टर का ऑथर कौन है, या इस चैप्टर, इस पोएम का पोएट कौन है, तब तो यार ये चीज ना लॉजिकल लगती। हम इंग्लिश ऑनर्स पढ़ के नहीं आए हैं, हमने इंग्लिश ऑनर्स पढ़नी है, तो तुम ये चीज अभी क्यों पूछ रहे हो यार? वो 10 क्वेश्चन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के थे, तो वो 10 क्वेश्चन मुझे आते थे, बाकी 10 मुझे नहीं आते थे। एंड हमारा थंब प्रिंट भी लिया गया था, तो वो 10 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, मैंने छोड़ दिए। मैंने इन टोटल 40 क्वेश्चन छोड़े हैं, मैंने 60 क्वेश्चन करे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि उन 60 में से मेरे 50 क्वेश्चन सही हैं। तो 4×5=20, 200 मार्क्स बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, रैंक उसी हिसाब से बनती है जितने बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स आए होते हैं। थोड़ा सा पढ़ लो, ध्यान दो पढ़ाई पे, तुक्के छोड़ो, बहुत इजी पेपर आ रहे, बहुत इजी लेवल है भाई। मतलब विश यू ऑल द बेस्ट, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। गाया है, आज का व्लॉग था ये पूरा, मेरा एक्सपीरियंस आज का, ये था मेरा एग्जाम डे। अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं, यार एग्जाम कैसा गया? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बाकी बच्चे सोते हुए दिखे हैं। सीरियसली सेइंग, क्लास में बच्चे सो रहे थे, ट्रस्ट मी, पेपर बहुत इजी था, एंड इतना कम कंपटीशन, तो रैंक आराम से आएगी। एंड आई होप तुम लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आई होप तुम लोगों का ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, सब्सक्राइब कर देना, 50K सून है गाइस, एंड ड्यू मिलते हैं, बाय।